फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलोवेरा के बहुत सारी रेमेडी। एलोवेरा जो है वो कितना गुणकारी होता है ये सब हम जानते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर हमारे ड्रिंक्स हो, इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैं भी गमले से लेकर के आई हूँ ये तोड़ करके, इतना सारा फ्रेश फ्रेश एलोवेरा, और इससे मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी रेमेडीज। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं इनसे क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं आज एलोवेरा जेल से क्या क्या बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एलोवेरा स्टेम से उसका छिलका निकाल लेती हूँ। छिलका निकालने के बाद इसका जेल निकालना है। छिलका और जेल हम आसानी से कैसे निकालें, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो आप डिटेल में देख सकते हैं छिलका और जेल को आसानी से कैसे निकालें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेल निकल के आ चुका है, और अब इसको करना है ग्राइंड। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्राइंडेड जार। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने इसे डाल दिया है ग्राइंडेड जार में। और इस तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये एलोवेरा जेल निकल के आ गया है। अब इससे मैं बनाने वाली हूँ रेमेडीज। रेमेडी नंबर 1, एलोवेरा ड्रिंक। एलोवेरा ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास में 2 चम्मच एलोवेरा जेल, साथ में ले लिया है काला नमक 1/4 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/3 टेबलस्पून, और साथ में ले लिया है सफ़ेद खाने वाला नमक 1/4 टीस्पून, और नींबू का जूस ले लिया है आधा। तो आधे नींबू से जूस निकालने के बाद इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरीके से ये बेहद गुणकारी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है। आपके पेट में जलन हो, कब्ज रहती हो, या फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होता हो, तो खाली पेट आप सुबह इस ड्रिंक को ज़रूर लें, उसके 1 घंटे बाद खाना लें। तो चलिए देखते हैं रेमेडी नंबर 2। रेमेडी नंबर 2 में है एलोवेरा फेस पैक। इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर चुटकी भर, साथ में लिए हैं विटामिन ई का कैप्सूल 1, साथ में ले लिए हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक लम्प फ्री पेस्ट बनाना है। तो इस तरीके से ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है आइए देखते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जहां पर भी आपके डेड सेल्स हों या स्किन रूखी सूखी हो, तो वहां पर आप इस तरीके से इसे अप्लाई करें, या सन टैनिंग हो गई हो तो इस तरीके से उसे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पर, बाजुओं पर, हाथों पर, गर्दन पर। 2 मिनट तक आप इसे ऐसे ही सूखने दें। 2 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि सूख जाएगा, तो आप इसे हल्के हाथों से रब करें। तो 1 मिनट तक रब करने के बाद आप इसे पानी से धो लें। इसका मैजिकल रिजल्ट आप अपने आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेमेडी नंबर 3, एलोवेरा हेयर पैक। एलोवेरा हेयर पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच गाढ़ा दही, साथ में लिया है ये तेल।
ये तेल जो है इसकी रेमेडी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कैसे बनाना है। ये आंवले का तेल है, बहुत ही गुणकारी होता है। तो इसकी रेमेडी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक चम्मच मैंने ये ले लिया है, साथ में लिया है एलोवेरा जेल के 2 चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार होगा। आप इस तेल की जगह पर एलमंड तेल, बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल या जैतून का तेल भी ले सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। आप इस हेयर पैक को अपने बालों पर अप्लाई करें और 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो दें, उसके बाद शैम्पू कर लें तो ये बहुत ही गुणकारी होता है। बालों में किसी भी तरह की कोई डैंड्रफ हो या बालों की शाइन चली गई हो तो इस पैक से आपकी सारी जो ये चीज़ है रिकवरी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं रेमेडी नंबर 4, एलोवेरा क्रीम। एलोवेरा क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल 1 चम्मच। ध्यान रहे कोकोनट ऑयल गर्मियों में पिघल जाता है तो उसको पिघला हुआ ना लें, उसे आप फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे पहले रख दें बनाने से पहले। जब वो अच्छे से जम जाए तो वही जमा हुआ तेल आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जम चुका है तो मैं इसी तेल से क्रीम बनाने जा रही हूँ। इसी तेल से आपकी क्रीम अच्छी बनेगी। यहाँ पर ले लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल, तो 1 कैप्सूल मैंने विटामिन ई का ले लिया है। साथ में ले लिए हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल। और अब इसको अच्छी तरह से वीट करना है, जैसे हम क्रीम को वीट करते हैं सेम ऐसे ही इसे वीट करते रहें लगभग 5 मिनट तक कंटिन्यू। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसकी क्रीम बनकर अपने आप तैयार होगी। लेकिन आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर गर्म है तो ध्यान रहे इसके लिए आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद वीट करें तो आपकी आसानी से क्रीम बनकर तैयार होगी। नहीं तो नीचे आप आइस क्यूब्स रख कर के भी इसे वीट कर सकते हैं। तो वीट करते करते आप देखेंगे कि ये जो है क्रीम बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही गुणकारी और बेनिफिशियल क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। इस क्रीम को अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस पर अप्लाई करेंगे, आपकी ड्राइनेस 1 हफ्ते में ही कवर हो जाएगी। फटी हुई एड़ियों के लिए तो ये वरदान है। तो चलिए अब देखते हैं रेमेडी नंबर 5। रेमेडी नंबर 5 है ये एलोवेरा सोप, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। इसकी फुल डिटेल में आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, ग्रेटेड एक आप हर्बल साबुन ले लें, साथ में एलोवेरा जेल ले लें, साथ में कोकोनट ऑयल ले लें या विटामिन ई के कैप्सूल ले लें। ये सारी चीज़ों को आप मिलाकर कैसे बनाना है तो वो वीडियो आप पूरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है लिंक। तो ये साबुन जो होता है बहुत ही हेल्दी और गुणकारी होता है आपकी स्किन के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं रेमेडी नंबर 6। ये एलोवेरा के पीसीस हैं, इनका हमने क्या करना है आइए देखते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल नहीं बना रहे हो, हल्का सा ही आपके पास पीस पड़ा हो, तो आप एक टुकड़ा इस तरीके से काट करके उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आइए देखते हैं। अगर आप ज़्यादा एलोवेरा जेल नहीं निकालना चाहते हैं, आपके पास छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है एलोवेरा का, तो आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप उसके टुकड़ों को निकाल करके उसका जेल निकाल लें, उसके बाद इसके जो छिलके हैं इसका भी हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। उसके बाद उन टुकड़ों के ऊपर आपने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है 1/4 टीस्पून काला नमक, साथ में ले लिया है ये काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून लिया है, और साथ में नींबू जो है वो अच्छा ले लेना है। मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है क्योंकि जो एलोवेरा जेल है उसका कसलापन है, नींबू ख़त्म कर देता है, तो इसीलिए नींबू आप ज़्यादा ले लें तो आपका ये टैंगी और टेस्टी बन जाएगा। तो आप इसे आसानी से खा सकते हैं। अब आप इन टुकड़ों को खा सकते हैं, सुबह खाली पेट खा लें या फिर शाम को आप खा सकते हैं। बहुत ही गुणकारी होता है, पेट में जलन हो रही हो, गैस हो रही हो, एसिडिटी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वरदान है ये, तो आप इन्हें खाइए रोज। अब रेमेडी नंबर 7, एलोवेरा पील्स, जो अभी हमने छिलके मैंने अभी आपको दिखाए थे, इनका यूज़ कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। इनका आप डायरेक्ट से स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक छिलका ले लें, जिसके आपने जब एलोवेरा
जेल निकाल लेते हैं तो जो छिलका होता है उस पर भी बहुत सारा जेल लगा हुआ रहता है, तो उसे आप इस तरह से डायरेक्टली या तो फेस पर, अंडर आइज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पर, बाजुओं पर, गर्दन पर, इसी तरीके से हल्के से आप 2-3 मिनट तक इस तरीके से अप्लाई करें। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें और बालों पर भी आप इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं बालों को हल्का सा लेना है एक बंच और उस पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कितनी गजब की चमक आ गई है। तो आप एक मैजिकल रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कंडीशनर वगैरह लगाना तो आप भूल जाएंगे अगर आपने ये एलोवेरा जेल को अप्लाई किया, तो देख सकते हैं आपके सामने है मैजिकल रिजल्ट। तो चलिए अभी देखते हैं रेमेडी नंबर 8, ये है एलोवेरा को कुकिंग में हम कैसे यूज़ करें। तो अक्सर क्या होता है कि एलोवेरा जो है वो बच्चे तो नहीं खा पाते हैं, बड़े खा भी लेते हैं, तो बच्चों को खिलाने के लिए आप कभी भी मैगी बना रहे हों या बच्चों की कोई भी फेवरेट आइटम बना रहे हों, चीज़ें बना रहे हों, तो आप उसमें हल्का सा एलोवेरा जेल डाल करके आप बच्चों को दे सकते हैं, या कोई टुकड़ा डाल दिया तो इस तरीके से आप बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और अपने आप गुण जो हैं वो उनके पेट में जाएंगे। या आप कोई भी खाना बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, तो उसमें भी आप हल्का सा एलोवेरा जेल के टुकड़े डाल दें, दाल को उबालते टाइम या सब्जी को पकाते टाइम बीच में डाल दें, तो वो अपने आप पक जाता है और पता भी नहीं चलता है और वो काफ़ी गुणकारी होता है, आपकी जो रेसिपी है काफ़ी हेल्दी हो जाती है इसको अप्लाई करने से। तो चलिए अब रेमेडी नंबर 9 देख लेते हैं, एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल है, इसको कैसे बनाना है इसकी पूरी डिटेल्स मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि एलोवेरा जेल कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी रेमेडीज़ बेहद यूज़फुल हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।